Welcome to our channel Sada Mata, the simple recipe with desi tadka by Meera. चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी जिसका नाम है पालक पनीर। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए पालक, जिसको इंग्लिश में स्पिनच भी कहा जाता है। इस पालक को सबसे पहले हमें बहुत छोटे हिस्सों में इस तरह से कुछ काट लेना है। अब इस पालक को लेकर हम कुकर में दे देते हैं। इसी के साथ देखिए, पालक को मैंने कुछ इस साइज में काट लिया है। इसी कुकर में हम दे देंगे टमाटर और इसी के साथ दे देंगे ग्रीन चिलीज और इसमें हम दे देंगे वाटर यानी के पानी। अब इसको हम बंद कर देते हैं और इसको हम बॉईल कर लेंगे। अब बॉईल करने के लिए गैस को ऑन करके मैंने गैस पे कुकर को चढ़ा दिया है। लीजिए, बॉईल हो गया है पूरा अच्छी तरह से। अब खोल के देख लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें काफ़ी सारा एक्सेस वाटर है। इस वाटर को हम निकाल के अलग से रख देंगे। इस वाटर को हम बाद में फिर से यूज़ करने वाले हैं। तो लीजिए, मैंने निकाल लिया, अब इसको अलग से रख देते हैं। मसाले ले लेते हैं। मसालों में पहले चाहिए हमें ऑनियन कटा हुआ, अदरक घिसा हुआ। अब नेक्स्ट चाहिए हमें ज़ीरा, हल्दी पाउडर, नमक और क्यूमिन पाउडर। लीजिए, यह हमारा मसाला हो गया। इसके बाद हमें चाहिए पनीर। पनीर को हमने इस तरह के क्यूब्स में काट लिया है। तो चलिए, अब जो पालक हमने बॉईल करके रखा था उस पालक को हमने पेस्ट बना लिया है। अब हमने गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस कढ़ाई गरम हो जाए तो उसमें ऑयल दे देंगे। ऑयल को गरम होने के लिए छोड़ देते हैं। ऑयल गरम हो जाए तो इसमें हम पनीर को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो पनीर को आप फ्राई नहीं भी कर सकते हैं। बहुत लोग पनीर को फ्राई नहीं करके भी खाते हैं। पनीर में थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर दे देते हैं और इसी के साथ दे देंगे थोड़ा सा नमक। चलिए, थोड़ा सा हम चला लेते हैं और पनीर को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा गोल्डन कलर आएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। दोस्तों, फ्राई करने के बाद इसको गर्म पानी में हम थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, फिर उठा लेंगे तो फिर इसका सॉफ्टनेस नहीं जाएगा। और या तो फिर आप रॉ भी यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, हमारा पनीर फ्राई होकर रेडी है। पनीर के तेल में ही हम नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करेंगे। पहले हमने क्यूमिन सीड्स दे दिया है, ये थोड़ा क्रैकल हो जाए। इसके बाद हम दे देंगे इसमें ऑनियंस, हमारे जो प्याज हमने बारीक काट के रखा था। चलिए, इसको दे दिया है, थोड़ा सा हिला लेते हैं। ऑनियंस को थोड़ा सा हमें फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा देखिए, हमें पिंकिश कलर चला जाना चाहिए, थोड़ा ब्राउनिश हो जाए तो इसके बाद हम मसाले छोड़ेंगे। पहले हमने जिंजर दे दिया है, अदरक घिसा हुआ। इसके बाद हम क्यूमिन पाउडर दे देते हैं यानी ज़ीरा पाउडर। अब नमक दे दिया, अब हल्दी दे देते हैं। चलिए, जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे सारे हमने दे दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं और सारे मसालों के हमें अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसालों का जो कच्चा फ्लेवर रहता है वो चला जाए। अब इसी के साथ मसाले थोड़े फ्राई हो जाए तो हम थोड़ा सा शुगर यानी कि चीनी दे देंगे। अब चीनी को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए, अच्छी तरह से फ्राई कर लिया हमने मसालों को। अब इसके बाद नेक्स्ट हम दे देंगे पालक। पालक जो हमने पहले से ही पीस के पेस्ट बना करके रखा था, अब इसको हम चलाएंगे और अच्छी तरह से मसाले और पालक दोनों मिक्स होने जाने चाहिए और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेना है हमें। देखिए, पानी सूख गया है। अब इसमें हम दे देंगे हमारे जो फ्राई किए हुए पनीर थे। अगर आपको फ्राई पनीर नहीं पसंद है
तो आप रॉ पनीर ऐसे ही पनीर फ्राई नहीं करके भी दे सकते हैं। चलिए अच्छी तरह से मिला लेते हैं पालक और पनीर को। अब जो एक्सेस वाटर हमने पहले स्टोर करके रखा था वही वाटर हम यहाँ पे देंगे। इससे इसका टेस्ट काफ़ी एनरिच होता है। पालक का जो भी रस निकल गया था वो यहीं पे स्टोर हो गया था, फिर रिस्टोर हो गया था। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला दे रहे हैं। चलिए अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी हो जानी चाहिए। तब तक हमें इसको अच्छी तरह से बॉयल करना है। अभी भी काफ़ी पानी है, थोड़ा और बॉयल कर लेते हैं। देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक हो गई है। अब ये पूरी तरह से तैयार है। इसको हम अलग से प्लेट में अब निकाल लेते हैं। लीजिए हमने निकाल लिया। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप नींबू लगा के इसको खाइए और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वायरीज हो, कोई कमेंट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आपको कैसा लगा ये रेसिपी ये भी हमें बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो हिट कीजिए लाइक बटन को और इसी के साथ हमारे चैनल को, हमारे रेसिपीज़ को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।